सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी स्टेनो 2022 का स्किल आपका आज और कल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे साथ फ्रेशर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो अपनी 2023 को टारगेट रखते हुए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है आपका। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अपना फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से अपनी तैयारी वो जीरो से शुरू करें और एग्ज़ाम क्रैक करें। क्योंकि तो यहाँ से आपके पास सिर्फ रह जाने हैं बच्चों 6 मंथ, एग्ज़ाम्स में आपके पास में सिर्फ 6 महीने रह जाने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जीरो से तैयारी शुरू करते हुए अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। टारगेट आपने एसएससी स्टेनो 2023 बनाया है, तो उसी को लिहाज में रखते हुए ये वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा, और कहीं कोई डाउट आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके दोस्तों, सो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन शुरू कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, और मैं शुरू करता हूँ अपनी वीडियो आज की। बच्चों देखिए, अगर आप लोग एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है अपने किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो मेरी सलाह आपको रहेगी कि आप सबसे पहले टॉपिक वाइज अपने बेसिक्स मजबूत करें। लाइक आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, कोई भी टॉपिक आपका है, आप पहले उसको लेकर के अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे आपको उसके ऊपर 1-2 दिन ही बिताना पड़े। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोग अपनी एडवांस तैयारी के लिए तो किरण फॉलो करेंगे ही, लेकिन बेसिक तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी तैयारी में। जब तक आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप उस टॉपिक पर अपनी अच्छी पकड़ नहीं बना सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब ही आप लोगों के एडवांस तैयारी हो पाएगी। सो बेसिक्स अपने मजबूत करें। बेसिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी बुक आपके पास हो, कोई स्पेशल बुक लगाने की जरूरत नहीं है। कोई आप लाइक इंग्लिश के लिए तो आप लोग कौन सी बुक फॉलो करें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक, ज़रूरी कि आपके लिए बहुत महंगी बुक लगाने की जरूरत है, कोई भी बुक जिसमें सभी टॉपिक्स हों, चाहे भले ही उसके अंदर 20-25 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ज़्यादा क्वेश्चन भले ही ना हो, लेकिन टॉपिक सभी उसके अंदर कवर हो जाएं, तो ऐसी कोई बुक आप फॉलो कर लीजिएगा। यस, तो बेसिक्स अपने मजबूत कीजिए सबसे पहले तो आप लोग। दूसरी बात बच्चों, साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी अपनी कमांड बनाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है बच्चों सारा का सारा जो फोकस रहने वाला होता है वो रहता है PYQs का, जिसकी कमांड आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो डेफिनेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए ही नहीं एग्ज़ाम आने से पहले, सो सिलेक्शन की उम्मीद आपकी 50% यहाँ ऑलरेडी कम हो जाती है। तो ज़रूरी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निगाह में रखा जाए और उन पर पकड़ बनाई जाए। उसी को लिहाज में रखते हुए मैंने आपको हमेशा से ही किरण बुक को सजेस्ट किया है, किरण इंग्लिश, किरण रीजनिंग, किरण GS, आप इनको फॉलो करें। 50 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि 1 बुक को 50 बार पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस का एक टारगेट बैच रहेगा, जिसमें आप लोग अपना जो भी आपका पिछले 10 सालों में पूछा गया है उसको आप बार बार दोहराएंगे। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है नहीं है, आप उसके नोट्स बनाएंगे। कोई भी चीज़ आपके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखें आपको पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस तक की तैयारी करनी होगी। और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं, ध्यान रखें बेसिक्स जो मैंने आपको बताया कंप्लीट करने के लिए, आप उसे मुश्किल से 1 महीने के अंदर ख़त्म करें। किसी भी तरह से बेसिक आपका 1 मंथ में ख़त्म हो जाना चाहिए, जो कायदे की बात है। फिर अगले 5 महीने आपको ये सब कुछ ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, अब बच्चों बात करें अगर हम लोग यहाँ पर इंग्लिश की, किस बुक से हम लोग अपना बेसिक मजबूत करें, तो बच्चों मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। इससे बेस्ट बुक आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं मिलेगी। या फिर अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो ये सबसे बेस्ट बुक है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर इंग्लिश के लिए। लेकिन अगर आप लोग चाह रहे हैं कि किसी टीचर से पढ़ें, तो उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का, ध्यान रखें, चाहे वो किसी भी टीचर्स के द्वारा लिखी गई हो। लेकिन किसी भी टीचर की बुक को खरीदना अच्छा होगा कि आप उसके हैंड रिटन नोट्स खरीदें। यस, क्या अंतर है इसमें, मैं किस दिन आपको विस्तार से बताऊंगा कि बुक्स में और हैंड रिटन नोट्स में
क्या अंतर रहता है बच्चों, इसके बारे में किसी दिन आराम से मंथन करेंगे। लेकिन हैंड रिटन नोट्स टीचर के दिल से निकले हुए नोट्स होते हैं, वो क्लास नोट्स होते हैं बच्चों। तो उसने क्लास में पढ़ाया है, उस क्लास के नोट्स को किसी बच्चे ने जो नोट किया है उसको ही नोट्स कहा जाता है, वो बेस्ट चीज़ होती हैं। आप ये हैंड रिटन नोट किसी के भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसको हमारे से बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमने मात्र 70-80 रूल्स के अंदर अपना ग्रामर कंप्लीट किया है। इसका प्राइस ओनली 99 रुपीज़ है, नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने 99 रुपीज़ के अंदर ही। कंप्लीट बेसिक बैच अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास में है, बैचेस सभी अवेलेबल हैं। लेकिन आप अपना यहाँ से तैयारी बेहतरीन करनी शुरू कर लें, अपना डेली एक रूटीन बनाएं बहुत अच्छा सा, जिसमें आप लगभग 6-8 घंटे अपना पढ़ाई का स्केड्यूल बनाइएगा, जिसमें जो भी आप समय देंगे उसका लाइक मान लीजिए आपने 8 आवर्स अपना पढ़ाई का निकाला है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, 4-4 के। ये 4 इंग्लिश के लिए हो जाएंगे आपके, और जो बाकी जो 4 बचे उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2-2 के। ये रीजनिंग और GS के लिए आपका बचा है पोर्शन। जो भी आप समय बनाएंगे शेड्यूल बनाएंगे उसका बिल्कुल हाफ पार्ट आप इंग्लिश के लिए रख देंगे और बाकी हाफ पार्ट आप दोनों सब्जेक्ट के लिए रख देंगे। यस, सो बेसिक से अपना तैयारी करना शुरू करें। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, किसी टॉपिक को लेकर के, किसी बुक को लेकर के, कोई क्वेश्चन आपका है, कोई क्वेरी आपकी है तो आप हमसे बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली आपका जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे या फिर वीडियो बना करके। ओके दोस्तों, सो लगे तैयारी अपनी, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।